अपनी इकिगाई को ढूंढकर और उस पर काम करके आप एक अपूर्णीय स्तर प्राप्त कर सकते हैं। तकनीक भी आपकी जगह नहीं ले सकती। दोस्तों, जापान में ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है जहां के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। वहीं 80 से 90 साल के लोग भी रोज खुशी खुशी उठते हैं और अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर मत होना, यानी दुनिया में सबसे लंबी, बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी जीने वाले लोग जापान के ओकिनावा में रहते हैं, क्योंकि वे अपना जीवन एक सूत्र के सहारे जीते हैं जिसे इकिगाई कहते हैं, यानी जीने की वजह। जापानी लोगों का मानना है कि आप इस दुनिया में किसी खास मकसद से आए हैं और वह उद्देश्य है आपकी इकिगाई। अगर आप अपनी इकिगाई के अलावा कुछ और करते हैं तो वह आपके लिए मजेदार नहीं होगा। आप हमेशा तनाव में रहेंगे और आपका मन हमेशा उस उद्देश्य की तलाश में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति इस जापानी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर अपनी इकिगाई यानी अपने जीवन का मकसद तलाश सकता है। जब भी आप अपना कॉलेज खत्म करने के बाद काम पर जाते हैं तो आपको जीवन में क्या करना है इस बारे में एक बड़ा फैसला लेना होता है। यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपने जीवन का सबसे अधिक समय काम करने में लगाते हैं। इसलिए कोई आपसे ऐसा काम करने को कहेगा जिसमें आपको खुशी मिलती हो, कोई कहेगा वह काम करो जिसमें तुम अच्छे हो, कोई कहेगा कि वह काम करो जो तुम्हें अमीर बनाता है, या फिर कोई कहेगा कि वो काम करो जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब समस्या यह है कि हर कोई हमें इन चारों में से एक ही विकल्प चुनने को कहता है, जो कि गलत सलाह है। इकिगाई इन चार भागों का संयोजन है और अगर इनमें से कोई भी हिस्सा छूट जाए तो आपके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं। इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। पहला चक्र है जिसे आप प्रेम करते हैं, इसमें वे सभी चीजें शामिल हैं जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। दूसरा चक्र है जिसमें आप अच्छे हैं, इसमें वह सब कुछ है जो आप अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा चक्र है जिसके लिए आपको भुगतान किया जाता है, इसमें वो सभी चीजें होती हैं जो आपको आपके काम के बदले में मिलती हैं। और अंत में चौथा घेरा वह है जिसकी दुनिया को जरूरत है, इसमें दुनिया की जरूरत की सभी चीजें शामिल हैं। अब देखिए, पहले और दूसरे सर्कल के मेल से आपको आपका पैशन मिल जाएगा, यानी जो भी आपको करना पसंद है और आप उसमें अच्छे हैं वही आपका पैशन होगा। उदाहरण के लिए, आप नई चीजें सीखना और प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं और आप उस काम में माहिर हैं, इसलिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना और प्रोग्रामिंग करना आपका जुनून बन गया। फिर दूसरे और तीसरे घेरे के चौराहे से आपको अपना पेशा मिल जाएगा, यानी आप जिस चीज में अच्छे हैं और आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे वही आपका पेशा बन जाएगा। उदाहरण के लिए, आपने कुछ नया सीखा और एक ऐप बनाया जिससे आपको थोड़े पैसे मिले, तो अब वह काम आपका पेशा बन गया है। तीसरे और चौथे वृत्त के योग से आपको अपना व्यवसाय प्राप्त होगा, यानी जिस चीज के लिए आपको भुगतान मिले और दुनिया को जिस चीज की जरूरत हो वही आपका पेशा बन जाएगा, यानी आपने जो कुछ भी बनाया है वह दुनिया की जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है वही आपका पेशा बन जाएगा। और अंत में आपको अपना मिशन मिल जाएगा, यानी दुनिया को जिस चीज की जरूरत है और वही आपका पसंदीदा काम है वही आपका मिशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए, आप उस ऐप पर काम करना पसंद करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो आपका जुनून और दुनिया की जरूरत आपका मिशन बन गया। समस्या तब आती है जब लोग कहते हैं कि अपने पैशन को ढूंढो, लेकिन सिर्फ जुनून ढूंढना काफी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक गाने का हिस्सा है। आपको ऐसा काम खोजना चाहिए जो अन्य तीन घटकों को संतुष्ट करता हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप ब्लॉग लिखना पसंद करते हैं, आपने अपने ब्लॉगिंग कौशल को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और अब आप इसमें अच्छे हैं और दुनिया को आपके ब्लॉग से कुछ नया सीखने को मिलता है, यानी दुनिया को आपके काम की जरूरत है और वह आपको आपके काम के बदले में भुगतान करती है। अर्थात ब्लॉगिंग चारों घटकों को संतुष्ट करता है, यानी ब्लॉगिंग आपका इकलौता गाना है। आपका उद्देश्य कुछ ऐसा खोजना होना चाहिए जो जुनून, पेशे, व्यवसाय और मिशन के सभी चार घटकों को संतुष्ट करे, और इन चार कंपोनेंट्स में से आपको अपना एक ही गाना मिलेगा, यानी आपको वह काम मिलेगा जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे आपको पैसा मिलता है और दुनिया को उस काम की जरूरत है। और जब ये चारों चीजें संतुष्ट होंगी तो आप एक लंबा और तनाव मुक्त सफल जीवन जी सकेंगे। उदाहरण के लिए, सचिन को क्रिकेट खेलना पसंद है, उन्होंने अभ्यास किया और इसमें अच्छे हो गए। क्रिकेट खेलने से उन्हें पैसे मिलते हैं और लोग उनकी बल्लेबाजी को काफी पसंद करते हैं, यानी दुनिया को उसकी जरूरत है। सचिन के लिए क्रिकेट चारों घटकों को संतुष्ट करता है, यानी क्रिकेट सचिन का इकलौता गाना है। आप जितने भी लोकप्रिय व्यक्तित्वों को जानते हैं उन्होंने अपना एक और इकलौता गाना ढूंढ लिया है और यही कारण है कि वे इतने आगे हैं। अपना एकमात्र गीत ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपने काम में प्रवाह की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। प्रवाह अवस्था का अर्थ है अपने काम में इतना डूब जाना कि और कुछ मायने ही न रहे, और वह प्रवाह अवस्था ही विशेषज्ञों, कलाकारों और प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों की शक्ति है, उनके एक और एकमात्र गीत को खोजने और उस पर काम करने के कारण।
एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को जापानी कलाकार और इंजीनियर पसंद थे। 1980 के दशक में जब स्टीव जॉब्स ने जापान में सोनी के कारखाने का दौरा किया तो उन्होंने उनसे बहुत सी नई चीजें सीखी और उन्हें अपनी कंपनी में लागू भी किया। यहां तक कि स्टीव जॉब्स को भी रोजाना वर्दी पहनने का विचार वहीं से आया था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय एनिमेशन स्टूडियो में से एक जापान के स्टूडियो घिबली के संस्थापक और एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन स्टूडियो में काम करते हैं और 79 साल के होने के बावजूद वह अपने काम से कभी नहीं थकते क्योंकि उन्हें अपना एक ही गाना मिल गया है और वह उस पर काम करते हैं। जापानी शेफ जिरो ओनो 94 साल के होने के बावजूद अभी भी दुनिया की सबसे अच्छी सुशी डिश बनाते हैं क्योंकि सुशी बनाना उनका इकलौता गाना है। अपना एकमात्र गीत ढूंढकर और उस पर काम करके आप एक अपूर्णीय स्तर प्राप्त कर सकते हैं। तकनीक भी आपकी जगह नहीं ले सकती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मार्क कोटे हैं, जो रोल्स रॉयस के एकमात्र कोच लाइन पेंटर हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक यानी रोल्स रॉयस पर अपने हाथों से एक रेखा खींचते हैं, जो एक बहुत ही दुर्लभ कौशल है और नहीं कोई उसे बदलने में सक्षम है। आपको अपना इकलौता गाना अचानक नहीं मिल जाएगा। आपका अंतर्मन यानी आपके अंदर की आवाज और जिज्ञासा आपको अपना इकलौता गाना ढूंढने में मदद करेगी। उसके लिए आपको अलग अलग चीजों को आजमाना होगा और सवाल पूछने होंगे और खुद को तलाशना होगा। और जब भी आपको अपना इकलौता गाना मिलेगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था। ये सब मैंने हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल्स की किताब इकिगाई से सीखा है। इस किताब में ओकिनावा के लोगों के बारे में और भी कई आश्चर्यजनक बातें लिखी गई हैं जो आपको पसंद आएंगी। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास इतनी सारी शानदार किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो इन किताबों के सारांश वाले वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।